जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है क्योंकि अब प्रमोट करने का फैसला लिया जा रहा है। अभी देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के थे बच्चे 10th वाले, वो प्रमोट हो चुके हैं। वो भी किस बेसिस से, 9th क्लास के जो भी आपके पाए थे नंबर, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के लिए। लेकिन अब यूपी बोर्ड के भी बात चलने लगी है क्योंकि आपको मालूम है 20 मई को अभी बैठक होने वाली थी, 20 मई को बैठक होने वाली थी। देखिए, इस बैठक में हो सकता है कि क्लास 10th वालों को प्रमोट कर दिया जाए क्योंकि इंडिया में जितने लगभग सभी बोर्ड में से 15 बोर्ड जो ऐसे हैं कि जो क्लास 10th को प्रमोट कर चुके हैं। और किस बेसिस पे प्रमोट किए हैं, आप क्लास 9th में जो भी रिजल्ट आपका बना है उसी के आधार पे क्लास 10th में नंबर आपको दिया जा रहा है। जितने भी बोर्ड हैं वो सभी को, लगभग 15 बोर्ड ऐसे हैं कि जो प्रमोट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी बोर्ड ने नहीं किया है। लेकिन अब बात चलने लगी है, यूपी बोर्ड ने 10वीं के स्टूडेंट को प्रमोट करने का निकाला रास्ता, 9वीं का रिजल्ट बनेगा आधार। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका प्री बोर्ड हुआ उसके या छमाई के जो भी एग्जाम हुए थे उसी के बेसिस पे आपको नंबर क्लास 10th में मिलने वाला है। देखिए, ज़्यादा न्यूज़ इसमें नहीं है, केवल यही न्यूज़ है आज के 20 मई के जो न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के स्टूडेंट को कक्षा 9 के रिजल्ट के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। यानी छात्र या छात्रा के ने कक्षा 9 में जो अंक अर्जित किए हैं विषयवार, वही अंक देकर उन्हें हाई स्कूल में प्रमोट करने की तैयारी है। देखिए, 100% नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 70% लगभग कंफर्म लग रहा है कि आप प्रमोट हो जाएंगे। बस फैसले की आने की देरी है। तो फैसले के लिए इंतजार करने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ यहीं पर देने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर सबसे पहले जुड़ जाइए। अब देखिए इसमें क्या बातें कही गई हैं, बहुत से बातें। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के करीब 30 लाख जो भी परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का रास्ता खोज लिया है। अब कक्षा 9 का रिजल्ट इसके आधार बनने जा रहा है। यानी छात्र या छात्रा के कक्षा 9 में जो अंक अर्जित किए हैं विषयवार, वही अंक देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को 24 मई तक अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। असल में सभी माध्यमिक कॉलेज वार्षिक परीक्षा का अंक पत्र अनिवार्य रूप से परीक्षार्थियों को देते आ रहे हैं। जी हाँ, 24 मई तक आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 24 मई के मतलब 5 दिन लगभग बाद आपको न्यूज़ आने वाला है कि आपको प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। बहुत सी बातें इसमें दी गई हैं, आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दैनिक जागरण में ये न्यूज़ निकला हुआ है। तो यही सब बातें हैं। तो आपको ये कैसा लगा है, इसे ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको कठिनाइयाँ हो रही हैं वो नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सलाह जरूर दूंगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।